नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दो लोगों की आपसी मारपीट में बीच बचाव करने आए युवक की मौत। नाला सोपारा के आचोले पुलिस थाने की हद में बीते रविवार को अपराध की ऐसी घटना घटित हुई जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल मामला है दो लोगों की आपसी मारपीट में बीच बचाव करने पहुंचे तीसरे व्यक्ति की मौत का। जितना यह मामला सुनने में अजीब लगता है, घटना उतनी ही सही है। आपको बता दें, गाला नगर शिरडी नगर अंतर्गत बीमा जालंधर रंजारे व सचिन शिंदे, इन दो लोगों के बीच रविवार को रात के 8 बजे किसी विवाद के चलते मारपीट हो गई। तब एक बार की मामला शांत भी हो गया और दोनों पक्ष वहां से चले गए, लेकिन रात के 11:30 बजे एक बार फिर दोनों में झगड़ा हो गया और बीच रास्ते पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों में मारपीट होते देख वहीं पड़ोस में रहने वाला 28 वर्षीय युवक सत्यवान रमेश सावंत बीच बचाव के लिए आगे आया। बीच बचाव करते समय सत्यवान को रंजारे ने पीटा, जिससे सत्यवान जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। तभी स्थानिकों ने पुलिस में खबर की, जिस पर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचते जमीन पर पड़े शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया एवं मारपीट के आरोपी रंजारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आगे की कार्यवाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा विजय सावंत, मेरे देवर का नाम है सत्यवान रमेश सावंत। तो मैं घर पे नहीं थी और मेरी मम्मी के पास थी और मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मुझे 12:30 बजे रात को फोन आया कि तुम्हारे देवर को ऐसा हुआ करके। तो मैं तुरंत वहाँ से वडाला आई, वडाला से उसके बच्चे फैमिली ली, फिर मैं पवई में आई, पवई से मैं अपने बच्चे लेके मैं नाला सुपर आई। तो देखा बॉडी को, देखते मेरी बीपी हाई हो गई, मेरे को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो मुझे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपको कि मुझे मेरे देवर का न्याय चाहिए। मैं ऐसा उन लोग को खुलेआम नहीं घुमा नहीं सकती, मुझे न्याय चाहिए बस। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ा, तो आपको भरोसा नहीं है? पुलिस ढूंढ रहे ने, कुछ काम नहीं कर रहे। जो एक हड्डी तोड़ सकती है गलती से, लगने से दो दो तीन तीन हड्डी नहीं तोड़ सकती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी घूम रहे, एक घूम रहे। तो इसके लिए उसको ढूंढ के लाओ। सब लोग बोल रहे एक पंच मारा है, एक पंच नहीं मारा है, उसका पूरा हड्डी टूटा है। तो वही मुझे चाहिए। तू बोल उधर ले। मर्डर हो गए कल, अभी किसी और का झगड़ा था, ये सिर्फ छुड़ाने गया था। तो छुड़ाने गया ना, तो छुड़ाने वाला इंसान तेरे को धक्का देगा तो गिर जाएगा, फटक से मर जाएगा। तू दो तीन फसले पकड़ के उसका इतना मार रहा है, तू जान से इधर मर गया, यही जगह इधर तू मर गया। हाँ, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। कौन सा कलम लिखाया? 304। 302 हम लोग का न्याय दो, नहीं तो हम लोग चौकी के सामने हम लोग सब औरत लोग जाएगी उधर, घासलेट लेके हम लोग जान दे देगी। पेट्रोल से हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा ना। मेरा भाई के दो छोटे छोटे बच्चे, एक 9 महीने के बच्चे, एक 2 साल के बच्चे, उन लोग का न्याय कौन देगा? उनका परिवार कौन संभालेगा? अभी लड़का सो कितना हुआ, 27 साल का लड़का है, बुढ़ा भी नहीं है, क्या जवान भी नहीं है, 27 साल का लड़का है। अब भी मर गए तो उसका बच्चा कौन संभालेगा? पुलिस वाले सिर्फ खाने के लिए है और कुछ नहीं। जिधर खाने को मिलेगा ना उधर ही पुलिस वाले जाने वाले। हम लोग गरीब लोग, हम लोग पैसा नहीं दे सकते, हम लोग को न्याय दो नहीं तो हम लोग सब और सुसाइड कर लेंगे। उसका भाई जो हम लोग जो आरोपी पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, जो मेन आरोपी है उसका भाई है बाला रंजारे, वो इसके लिए वो ज्यादा ही उड़ रहे। मेरा भाई पैसे वाला है, पैसा लड़के छुड़ा सकता है, लेकिन न्याय के सामने पैसा कुछ काम का नहीं होने वाला है। जो तुम हमको, मेरा ये की मानना है तुम सबसे, बस मुझे मेरे भाई का न्याय दो। जैसे मेरे भाई का हो गया ना, हम नहीं चाहते किसी और का हो जाए, उसको बाहर नहीं निकालने का, उसको उसकी मर्डर की सजा उसको मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग सब औरत लोग जितने मेरे घर में लेडीज है ना, उसकी बीवी सर के बच्चे तक हम लोग चौकी के सामने उधर पेट्रोल डाल के जला लेंगे। उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी और कोई नहीं होगा। स्टार्ट। क्या नाम है आपका? राहुल सावन। आपको कब पता लगा कि आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है? मैं जब घर से बाहर आया तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, तब डॉक्टर के पास लेके गया तो म्यूनसिपल हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा। मेरे भाई को ये घटना की कितने टाइम बाद आपको जानकारी मिली? सिर्फ 20 मिनट के बाद।
अच्छा हाँ। अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, तो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? नहीं सर, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो उनके ऊपर 302 का मामला दर्ज होना था वो 304 का मामला दर्ज किया, और मेरा यही रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ के कमिश्नर से कि ये मामले को सत्य सत्य इसमें ज़्यादा करके ये डालिए, फोकस डालिए, क्योंकि ये 304 का मामला नहीं है, ये 302 का मामला है। क्योंकि इंसान को जब भी डैमेज होता है, अगर लगता है, नॉर्मली लगता है, तो एक तरफा की या रीढ़ की थोड़ी सी हड्डी क्रैश हो जाती है, यहाँ 3-3 फ्रैक्चर है शरीर में और ब्लड जमा है, और हमारे PMC रिपोर्ट है लिवर टच फाइट मारा है उसने, इतना भयानक तरीके से मारा है उसने कि यहाँ की हड्डी यहाँ तक लग गई है। मेरा नाम भावेश आगस्कर है, और रात को जो यहाँ पर घटना घटी, विमया रंजारे और सचिन सिंधे, ये दोनों का लपड़ा चालू था, उसमें सत्यवान सावंत नीचे उतरा तो उसके वाइफ ने सचिन सिंधे के वाइफ को लापा मारा। किसने मारा? विमया रंजारे ने। तो सचिन की वाइफ ने जोर से चिल्लाई, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो सत्यवान सावंत वहाँ से आया, तो ये दोनों का इधर पे मारा मारी हो रहा था, वो छुड़ाने को गया, उसको फाइट लग गई। अच्छा। और मुझे धक्का मारा गया। किसने मारा? ये भीमे रंजारे ने, और मैं नीचे गिरा, उसको सत्यवान रमेश सावंत को फाइट मारा और वो गिर गया, उसकी हत्या हो। ये जो सब किया उसका कारण क्या था? एक कुछ दारू पिए थे और इनका कुछ उधर पे कुछ लपड़ा हुआ था उसके ऊपर से, तो इन लोग का उधर पे पहले झगड़ा हो गया था उनका, बाद में इन लोग इधर पे आए तो हम लोग घर में खाना खा रहे थे, तो हम लोग को मालूम पड़ा नीचे झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग नीचे उतरे नीचे देखने के लिए, तो ये देख रहे तो लेडीज़ को भी मार रहे थे, इसके वजह से तो हमने उन लोग लेडीज़ को बचाने के चक्कर में मेरा दोस्त खो दिया। आप इस घटना के चश्मदीद गवाह हो। गवाह। तो आप ये चाहते थे कि आपने ये देखा कि वह एक्चुअल में मारने किसको आया था? वो मारने को तो गया था सर, लेकिन मेरे को उस टाइम पे मेरे को धक्का दे दिया ना, उस टाइम पे मैं नीचे गिरा और इस फाइट सत्यवान रमेश सावंत को लगी, सचिन सिंधे को नहीं लगी। अच्छा, इस समय सचिन सिंधे व जो उनके साथ जो महिला थी वो कहाँ है? वो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। कहाँ गए? अभी वो घर पर नहीं है, वो घर पर भी नहीं है, उन लोग जब पुलिस भी भेजी थी लेकिन वो घर पे भी नहीं है। तो आपने वह बयान जो आपने हमें ऑन कैमरा दिया है वही आपने पुलिस को भी दिया है? हमने जब वो नीचे गिरा सत्यवान रमेश सावंत, यहाँ से डायरेक्ट मैंने रिक्शा किया, रिक्शा करके नागिनदास हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी ECG करने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा उसकी डेथ हो गई। अच्छा, पुलिस कितनी देर में आई है? पुलिस यहाँ पर नहीं आई, डायरेक्ट इधर पे आई पुलिस, वहाँ पे अस्पताल में आई। हम लोग को इनसी पावती वहाँ पर लेके जाना पड़ा था, तो वहाँ पर हमारा FIR इन लोग ने दर्ज किया, प्लाट को FIR दर्ज कर लिया। पुलिस यहाँ पे कब आई थी? उसके बाद आज सुबह आई। आपको लग रहा है कि पुलिस इस मामले में आप सबकी मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रहा है, मदद करना रहता था सर तो हमारे साथ कुछ भाई का ही दोस्त का ही कुछ तो मिल सकता था हम लोग। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आगे क्या होगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।